बोलियो हेलो हेलो भैया कोरस के माइक दब रहे हैं बाबू थोड़े से आपका बड़ा अच्छा साउंड है बहुत बेहतरीन क्वालिटी वाला साउंड है जनक राज ने कर दिया सकल विश्व ऐलान वरण करेंगे ले दिल में महाराज जनक ने क्या सारे विश्व में यह घोषणा कर दी ये ऐलान कर दिया सारे राज्य में पातियां भिजवा दी कि भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ धनुष जो भी वीर तोड़ देगा वही मेरी जानकी के साथ अपना व्यवहार रचाएगा। आज क्या सभा के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ का धनुष रख दिया जाता है और महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा सारे वीर महावीरों को सुनाते हैं। द्वीप द्वीप से राजा आए बड़े बड़े बलवान वैदेही का परण करेंगे ले दिल में कहते महाराज जनक क्या ये रखा सिर्फ कांचा रखा सिर्फ कांच जो वीर तोड़ेगा ये पहिसिया कैसा पहिसिया कैसा पहिसिया कैसा ये नाता जोड़े हो रखा सिर्फ कांच जो वीर तोड़ेगा ये पहिसिया के साथ पहिसिया के साथ पहिसिया के साथ नाता आज सभी को कहा राजा आज सबको मौका है जिन्हें बल का बड़ा सारे वीर खड़े हैं अरे उठाने की तो छोड़ो भार अरे हल्ला करे चौपाई लिखी है रामचरितमानस में कि भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठा पर डरई नटारा
अरे हल्ला करे हल्ला करे अरे हल्ला करे हिल ना सके किसी से हल्ला करे हिल ना सके किसी से हल्ला करे हिल ना सके किसी से हल्ला करे हिल ना सके चलो कोई बात नहीं नाश्ता कर लो अपन बाद में जाएंगे। अरे हल्ला करे हिल ना सके किसी से हल्ला करे हिल ना सके किसी से हल्ला करे हिल ना सके किसी से हल्ला करे हिल ना सके। जब दस दस राजा एक साथ धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन तिल भर भूमि हिल तक नहीं पाया। आज महाराज जनक अपने मन में बड़े व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि मेरे एक छोटे से प्रण के कारण लगता है कि मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। महाराज जनक कहते हैं क्या कहा राजाओ ऐ देश देश के राजाओं में किसे कहूं बलशाली है साली है और मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली खाली है। क्या कहते हैं महाराज जनक क्या ये नाक अपनी कटाने को ये नाक अपनी कटाने को आए धनवा उठाने को ये जिनकी बाहों में जोर नहीं नहीं जब तुम्हारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं था क्यों आए मुझको लजाने को। कहते हैं महाराज जनक क्या वो जिनकी बाहों में जोर नहीं आए मुझको लजाने आए धनवा उठाने को में जोर नहीं आए धनवा उठाने में जोर नहीं आए धनवा उठाने को। कहते हैं महाराज जनक लगता है हुई अब तो मुझे ऐसा विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है। लगता है हुई अब तो धनबा उठा ले जो कोई
ये पीरों ने लजा डाला, इन पीरों ने लजा डाला, आज सारे जमाने को। महाराज जनक की बात सुनकर लक्ष्मण जी तमतमा के खड़े हो जाते हैं कि जनक रघुवंशन में चाहे कोई हो तही समाज अस कहे न कोई, जहां रघुवंशियों में कोई एक भी हो उस समाज में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। और तुम तो यहाँ मेरे परम पूज्य प्रभु राम यहाँ विराजमान हैं, उनके सामने तुम कह रहे हो पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। यदि मेरे भ्राता मुझे आज्ञा दे तो इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा के कोसों तोड़कर चला जाऊं। कहा लक्ष्मण जी कहते हैं जनक ये क्रोध में आकर लक्ष्मण बोले, बोल दो आंखों से बरसे शोले, ए जनक जी संभल कर के बोलो, ए जनक जी संभल ये मैं पृथ्वी को उठा लूं, मैं ब्रह्मांड हिला दूं, ये मेरे भ्राता भ्राता ओ मेरे भ्राता किया क्या हो, कहा क्या ये क्रोध में आकर लक्ष्मण बोले आंखों से बरसे हैं शोले, ए जनक जी संभल कर के बोलो, 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 ये लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज जनक आप चिंता ना करो महाराज, मत महाराज पछताओ, अभी अजमाना बाकी है। और इस धनुष को तोड़ने वाला क्या बात क्या हो रहा, हो धनुष को तोड़ने वाला अभी मरदाना बाकी है, धनुष को तोड़ने वाला अभी मरदाना बाकी है, धनुष को तोड़ने वाला अभी
हेलो 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 क्या बात हेलो मत महाराज पछताओ अभी अजमाना बाकी है इस धनुष को तोड़ने वाला धनुष को तोड़ने वाला अभी मर्दाना बाकी है 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 यदि मेरे प्रभु राम मुझे आज्ञा दे लेके ब्रह्मांड हथेली पे कोस भर में दौड़ दूं लेके ब्रह्मांड हथेली पे कोस भर में दौड़ दूं लेके ब्रह्मांड हथेली पे कोस भर में दौड़ दूं कहा महाराज क्या सारे ब्रह्मांड को एक हथेली पे गेंद की तरह लेकर कोसों तोड़ता चला जाऊं और तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या सिर्फ ये एक धनुष में है ना से ये चीज ही क्या है हजारों संग तोड़ दो धन से चीज ही क्या है हजारों संग तोड़ दो धन से चीज ही क्या है हजारों संग तोड़ दो मत महाराज मत महाराज पछताओ अभी धनुष को तोड़ने वाला अभी मर्दाना बाकी है 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 इधर क्या जैसे ही सही समय आया अंतिम भजन उसके बाद हमारे आगामी मंडल विश्वामित्र जी तुरंत राम को आदेश देते हैं क्या अजी विश्वामित्र हो समय सुख जानी और बोले अति स्नेह में बानी कहा राम क्या अजी उठो राम ये बन जाओ भव चापा ये हो और मेट हूं तात जन की परितापा प्रभु राम उठे एक क्षण में धनुष को बीच से तोड़ दिया सारी अवध नगरी में खुशियों की पाती जाती है लेकिन महाराज दशरथ के द्वार पर कि महाराज राम जी ने धनुष तोड़ दिया है अब तुम्हें बरात लेके जनकपुर चलना जय हो इधर माता जानकी अरे सर पे चुनरिया पांव में पाया आज माता जानकी अपनी सखियों के साथ जयमाला को लेकर प्रभु राम की ओर धीरे धीरे बढ़ रही हैं अरे कान में कुंडल सर पे चुनरिया डाल के चली अरे पांव में पायल नाख में नथनी डाल के चल कैसा भैया आज क्या हो चंचल राज की लली हो चंचल राज की लली बिहाने राम को चले चंचल राज की लली बिहाने राम
चतुरसन क्या बात चतुरसनी संग लेके वो जयमाल है चली जानकी ने और उस दिन से अरे सिया राम की जोड़ी क्या बात अरे सिया राम की जोड़ी जग का माल हो गई सिया राम की जोड़ी जग का माल हो गई सिया राम की जोड़ी जग का माल हो गई ये जग जनक नगर हरे बस मंडप छाए ओ ये हरे बस मंडप छाए क्या बात आज आओ सीता जी की सखियां कह रही हैं अरे सिया जी को राम प्यार शानदार प्रस्तुति श्री श्रद्धा मंडल भोपाल के द्वारा।